नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर हम इस प्रकार की ताजमहल इमेज कैसे बनाएं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम कंट्रोल एन के साथ न्यू पेज ओपन करते हैं। यहाँ से न्यू पेज लेना है और इसको करना है ओके। तो यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन करने के बाद अब हम बनाएंगे ताजमहल। उसके लिए लेंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हमें इस प्रकार से पेज के ऊपर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद लेंगे शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद इसके ऊपर आके हमें राइट क्लिक करना है तो कन्वर्ट टू कर्व दिखेगा। इसको हम कंट्रोल क्यू से भी कर्व कर सकते हैं तो कंट्रोल क्यू कर देंगे। अब इस वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मेनू बार में आना है। यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा हमारा ब्रिक कर्व। इस ब्रिक कर्व के ऑप्शन को हमें कर देना है क्लिक, तो हमारा कर्व ब्रिक हो गया। उसके बाद पॉइंट को हमें कर देंगे डबल क्लिक, तो ये पॉइंट हमारा हट गया। देन पिक टूल लेना है और इस शेप को कॉपी पेस्ट करके इस प्रकार से छोटा करेंगे हम, और इसको नीचे की ओर थोड़ा ऐसे मूव कर देंगे। मूव करने के बाद यहाँ से लेंगे हम ब्लेंड टूल। इस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा ब्लेंड टूल दिखेगा। ब्लेंड टूल लेना है। ब्लेंड टूल लेने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर देना है कर्व। इस प्रकार से हमारा पॉइंट कर्व हो गया। कर्व होने के बाद यहाँ पे लेंगे 29 कर देंगे, तो 29 हमारी शेप्स बन जाएगी। कर देंगे एंटर तो हमारी शेप कुछ इस प्रकार से दिखेगी। इस प्रकार से बनाने के बाद इसको हम सेट कर देते हैं, यहाँ पे छोटा कर देते हैं शिफ्ट के साथ। इस प्रकार सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे लेंगे हम एक और लाइन पेन टूल से। इसके ऊपर हमें लेना है लाइन, एंटर। ये लाइन इसके ऊपर आनी चाहिए। इसको इसके ऊपर सेट करके देखते हैं। सेम एडजस्ट करके लाइन लेने। लाइन लेने के बाद इसको हम थोड़ी ऊपर की ओर मूव कर देते हैं ऐसे। इस प्रकार से मूव करने के बाद कॉपी पेस्ट करके एक और लाइन बनानी है ऊपर की ओर इस प्रकार से। अब लेंगे हम ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल लेके सेम हमें इस ऑप्शन से लाइन इस प्रकार से हमें ड्रॉ करना है। इस प्रकार से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे भी हमें 25 की कोडिंग कर देना है लाइन। इस प्रकार से लाइन ले लेना है। हमारी लाइन कुछ इस प्रकार से दिखेगी। लाइन लेने के बाद अब हम बनाएंगे, तो थोड़ा सा कम कर देते हैं जिससे कि इस प्रकार से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद अब हम बनाएंगे इसके अंदर कर्व लाइन। कर्व लाइन लेने के लिए लेंगे हम ये वाला टूल। ये वाला टूल लेके हमें करना है यहाँ से कर्व। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें ड्रॉ करना है इस प्रकार से। ड्रॉ करने के बाद शेप टूल लेंगे। शेप टूल से पॉइंट लेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो टू कर्व का ऑप्शन दिखेगा। टू कर्व से हमें कर्व करना है। ऊपर को थोड़ा अंदर की ओर करना है और नीचे वाले पॉइंट को थोड़ा इस प्रकार से बाहर की ओर करेंगे। इस प्रकार से शेप हमारी बनेगी थोड़ी। इस प्रकार से बना लेनी है। इसके बाद शेप को क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ कॉपी पेस्ट करके इसको डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारी शेप कुछ इस प्रकार से दिखेगी। दोनों शेप को सिलेक्ट करेंगे और सेंटर की ओर रखेंगे इस प्रकार से, और शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर देंगे ऐसे, तो शेप हमारी एडजस्ट हो जाएगी। अब लेंगे हम ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल लेना है और एक शेप पे क्लिक करके इस प्रकार से हमें दूसरे शेप के ऊपर मूव करना है। तो इस प्रकार से मूव करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे 29 पे, तो हमारी शेप कुछ इस प्रकार से दिखेगी। इस प्रकार से दिखने के बाद अब लेंगे हम फिर से पेन टूल। पेन टूल से इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करेंगे और नीचे की ओर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, एंटर करना है। शेप टूल लेने और ये जो लाइन है इसको हमें सेम कर्व करना है, टू कर्व। और इस पॉइंट को इस प्रकार से अंदर की ओर करेंगे और इसको बाहर की ओर करेंगे ऐसे। करने के बाद कंट्रोल के साथ लाइन को इस प्रकार से मूव कर देंगे, तुम्हारी लाइन ऐसे दिखेगी। देन यहाँ से लेने ब्लेंड टूल से इस लाइन पे क्लिक करके इस प्रकार से मूव करना है। यहाँ पे करते हैं 29। सारे शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करना है और इसको छोटा कर देना है शिफ्ट के साथ। इसको हम इसके अंदर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद पूरी शेप को हमें सिलेक्ट करना है, कंट्रोल जी करना है।
करेंगे। कॉपी पेस्ट करके एक और शेप को हमें यहाँ पे सेट करना है और इसको छोटा कर देंगे इस प्रकार से। सेम हमें इस डायरेक्शन में भी सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसको अनग्रुप करते हैं कंट्रोल यू से, और ये जो शेप है इसको यहाँ से हमें करना है छोटा। सेट के साथ छोटा करेंगे और कॉपी पेस्ट करके इसको नीचे की ओर ले आएंगे इस प्रकार से। दोनों शेप को सेट के साथ सिलेक्ट करके कॉपी करना है और यहाँ पे अनग्रुप करना है कंट्रोल यू से, और इस वाले शेप को डिलीट कर देना है और कंट्रोल वी से ये वाले शेप को हमें ला के यहाँ पे सेट कर देना है इस प्रकार से। सेट करने के बाद अब हम बनाएंगे एक और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ करना है, शेप टू लेनी है, सेम हमें कर्व टू कर्व करना है। राइट क्लिक करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमें करना है ब्रिक। पॉइंट को डिलीट कर देंगे और ये वाले पॉइंट को हमें थोड़ा सा नीचे करना है ऐसे। नीचे करने के बाद पिक टूल लेना है, शिफ्ट के साथ छोटा करना है कॉपी पेस्ट करके इसको। इस प्रकार से देन लेंगे यहाँ से ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल से इस वाले लाइन पे क्लिक करके हमें इस प्रकार से बनाना है और यहाँ पे टाइप करेंगे हम 29 और एंटर। इस प्रकार से बनाने के बाद इन सब सारे शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर देना है और शेप को लाके यहाँ पे हमें सेट करना है इस प्रकार से। छोटा कर देंगे। सेट को सेट करने के बाद ये जो अंदर वाले दो शेप है इनको कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर सेट करेंगे इस प्रकार से। सेट करने के बाद ये सारे शेप को हमें शिफ्ट के साथ क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ इस डायरेक्शन में मूव करना है और मूव करके इसको यहाँ पे हमें करना है सेट। इस प्रकार से हमें सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब बनाएंगे इसकी लाइन्स। नीचे की ओर लाइंस बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे पेन टूल। पेन टूल से हमें इस डायरेक्शन से लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ तक। इस प्रकार से ड्रॉ करके एंटर करेंगे, कॉपी पेस्ट करके इसको नीचे लेके आना है और शेप टूल लेना है। पॉइंट पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम इसको ब्रिक कर देंगे और इस प्रकार से हमें पेज को ब्रिक कर देना है। बीच में से सेलेक्ट करेंगे ब्रिक। ब्रिक करने के बाद शिफ्ट के साथ इस लाइन को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे इस प्रकार से। सेम लाइन को भी हमें इस प्रकार से छोटा करना है ऐसे। छोटा करने के बाद हमें लेना है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल से एक शेप पे हमें करना है क्लिक, दूसरे शेप को इस प्रकार से हमें मूव करना है और यहाँ पे हम दे देंगे 20 और एंटर कर देंगे तो हमारी लाइन ऐसे बन जाएगी। इसी लाइन को कंट्रोल के साथ हमें कॉपी पेस्ट करके इस डायरेक्शन में लाना है और इसको मूव करके यहाँ पे सेट करेंगे ऐसे। इस प्रकार से हमें सेट कर देना है लाइन को। इस प्रकार से सेट करने के बाद अब बनाएंगे इसके ऊपर लाइंस, इसकी पिलर्स बनाएंगे। पिलर्स के लिए सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। पिलर्स के लिए यहाँ पे लेंगे हम पेन टूल। पेन टूल से हमें इस प्रकार से पिलर्स को बनाना है। एंटर करने के बाद सेम हमें इस डायरेक्शन में भी लाइन लेनी है और एंटर करेंगे। यहाँ से लेंगे हम ब्लेंड टूल। पहले इस शेप पे क्लिक करके इसको हल्का सा रोटेट करेंगे ऐसे। अब लेंगे ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल से इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इस पे क्लिक करना है क्लिक करके यहाँ से 20 कर देते हैं एंटर तो लाइन ऐसे बन जाएगी।
लाइन बनने के बाद इसको सिफ्ट के साथ थोड़ा सा पतला करेंगे, इसको नीचे की ओर सेट करेंगे। इस प्रकार से सेट करने के बाद यहाँ से लेते हैं हम पेन टूल से एक लाइन। लाइन लेने के बाद कॉपी पेस्ट करके इसको नीचे की ओर मूव करते हैं। ब्लेंड टूल लेने, ब्लेंड टूल से इस लाइन से इस लाइन की ओर इस प्रकार से हमें मूव करना है। यहाँ पे कर देंगे हम 29 एंटर, तो लाइन हमारी इस प्रकार से बन जाएगी। शिफ्ट के साथ इसको पतली करेंगे थोड़ी सी और इसको लाके यहाँ पे हमें सेट करना है। ऊपर की ओर इस प्रकार से हमें सेट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करना है हमें। करने के बाद यहाँ से लेंगे हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करके इसको थोड़ा सा छोटा करना है। शिफ्ट के साथ इसको हम करेंगे छोटा और इसको लाके इसके ऊपर सेट करेंगे ऐसे। शिफ्ट के साथ इसको हल्का सा और छोटा कर देते हैं ऐसे और इसको हमें इस प्रकार से सेट कर देना है इसके ऊपर। इस प्रकार से सेट कर देना है, इस प्रकार से हमें सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके इसको इस प्रकार से हमें यहाँ पे रखना है और शिफ्ट के साथ इसको यहाँ से छोटा कर देना है। शिफ्ट के साथ इसको इस प्रकार से छोटा करके हम यहाँ पे सेट करेंगे। दोनों शेप को हमें करना है सिलेक्ट, कॉपी करके कंट्रोल के साथ इस प्रकार से हमें करना है पेस्ट और इन दोनों शेप को लाके हमें यहाँ पे इस प्रकार से रख देना। शेप हमारी बन गई। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं ताज महल। करने के बाद इसको हम करेंगे सिलेक्ट, यहाँ से कर देंगे इसको बोल्ड और इस शेप को थोड़ी सेंटर की ओर इस प्रकार से हमें सेट करना है और शिफ्ट के साथ बड़ा कर देंगे ऐसे। इस प्रकार से सेट करने के बाद इन सबको सिलेक्ट करेंगे हम, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे और सिलेक्ट करके इन सब की आउटलाइन को हमें ये वाला कलर कर देना है इस प्रकार से। कंट्रोल यू करते हैं और ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को फील कर देते हैं ये वाला कलर। टेक्स्ट को फील करने के बाद सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करते हैं इसको बड़ा कर देते हैं ऐसे। इस प्रकार से बड़ा करने के बाद यहाँ से लेते हैं एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को इस प्रकार से इसके ऊपर ड्रॉ करना है और इसको कर देंगे ब्लैक कलर। कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो शेप हमारी ऐसे दिखेगी। तो ये लीजिए दोस्तों हमारी ताजमहल रेडी। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।